कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक्चुअली आपको बता, लॉकडाउन चल रहा था 2 महीने से, हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। और फाइनली आज मैं लेकर आया हूँ आपको दिल्ली की एक ऐसी जगह, इस शहर को बोला जाता है जा पनाह, और उसी की एक मस्जिद है जिसका नाम है बेगमपुरी मस्जिद। आप देख रहे हो कितनी बड़ी मस्जिद है, इसको मैं विज़िट कराने वाला हूँ। दूसरी बात क्या है कि कैमरा अलाउ नहीं किया था, इसलिए मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और इसी को मैं घुमाने वाला हूँ। अगर मैं इसी के इतिहास के बारे में बताऊँ तो एक्चुअली में ये जो मस्जिद है, ये बताई जाती है कि ये जो तुगलक थे, गायसुद्दीन तुगलक, उनके लड़के जो थे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। और बनाने की वजह क्या थी, आपको पता होगा कि दिल्ली अनेकों शहरों से बना है, यानी 7 शहर माने जाते हैं दिल्ली में। आपको पता होगा कि पहले खिलजी आए थे, खिलजी के बाद तुगलक आए थे। तो तुगलक में जो गयासुद्दीन तुगलक ने अपना एक तुगलकाबाद किला बनाया था, और उसी किले के बाद उनके लड़के ने ये जा पनाह शहर बनाया था। जा पनाह का मतलब ही होता है कि जहाँ सारे लोग पनाह ले सकते हैं। और असली मकसद क्या था उनका शहर बनाने का, असली मकसद ये था कि हम मंगोलों से रक्षा करें अपनी सल्तनत की। और उसी में ये सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि एक्सप्लोर नहीं हो पाती। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली में इतनी बड़ी मस्जिद हो सकती है जामा मस्जिद से अलावा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मस्जिद के ऊपर बहुत कम वीडियो बनी है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, अगर आप पास से देखोगे तो ये देख सकते हो, ये एक तरह से किला है। इसको अगर मस्जिद कह सकते हैं आप, मस्जिद का किला बोल सकते हैं, बहुत ऊँचा किला है। और ये देखिए इसकी बनावट देखिए, चारों तरफ से इस तरह बनी हुई है। और आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता। लेकिन अब ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अगर मैं करीब से दिखाऊं तो आप ये देखिए, और इसके अंदर मैं जाकर दिखाता हूं आपको, तो एक्चुअली ये मस्जिद अब जर्जर हो चुकी है, यानी टूट चुकी है। अगर इस लेफ्ट साइड का पोर्शन देखोगे तो ऊपर जो गुम्बद थे वो गुम्बद टूट चुके हैं। अगर आप ये देखोगे तो, हालांकि रिनोवेशन का काम चल रहा है। देखिए जैसे ये ईंट देखोगे तो ये अभी नई, इसको रिपेयर कर रहे हैं। बट मेरी बात हुई थी यहाँ के लोगों से तो कह रहे हैं कि 10 साल से काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम चलता है। ये देखिए ये रिपेयर हो रहा है, यानी ये मस्जिद जो है जर्जर हो चुकी है। अगर मैं सामने की बात करूँ तो आप देखोगे वहाँ जो उसकी छत है वो भी लगभग जर्जर हो चुकी है, यानी इस समय देखा जाए तो बुरी कंडीशन है। बट मैं अगर छत की बात करूँ तो आप ये देखो इसकी छत देखिए, तो धीरे धीरे ये भी जर्जर हो रही है। बट यहाँ हवा शानदार आती है, बहुत ही खुली जगह है और बहुत ही शानदार जगह है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट पे देखिए वो सामने से रास्ता है, ठीक है। और उसी के बाद ये जो है पूरा ये है, एक्चुअली मैं यहाँ के जो गार्ड है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल से बना रहा हूँ हाथ से, इसलिए वीडियो हिल रही है, क्वालिटी भी थोड़ी कम आएगी। बट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी मस्जिद है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो छत है वो टूट चुकी है, रिपेयर हो रही है, यानी कभी भी गिर सकती है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो आप ये देखोगे, ये देखिए ये टूट सी रही है, कभी भी गिर सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जगह काफ़ी बड़ी है। अगर सामने देखोगे तो सामने पार्क भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी मस्जिद के सामने देखो पार्क है जो एक्चुअली में इसी का एक हिस्सा हुआ करता था। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए पार्क, इसी मस्जिद के पास पार्क है और बहुत ही शानदार जगह है। एक्चुअली मेरी कोशिश ये है कि जो हिस्ट्री मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो हिस्ट्री अनटच है, जिसको आपने छुआ नहीं है, जिसको देखा नहीं है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद है, बट ये जर्जर हो चुकी है। और अगर देखोगे तो पूरी तरीके से हिस्ट्री को मिटाने की तो कोशिश की जा रही है, यहाँ तक वीडियो अलाउ नहीं है। हम किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं हमें पता है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हो। वो एक मेन गेट है जहाँ से मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये मेन गेट है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। और उसी के बाद अगर चारों तरफ से देखोगे तो ये गुम्बद है, मस्जिद है। ये इसे ही जा पनाह शहर बोला जाता था, जो कि जहाँ सारे लोग पनाह ले सकते हैं। सामने अगर वाली गुम्बद देखोगे जहाँ गेट लगवाया है, पहले इसके ऊपर जाना अलाउ था, बट अब इसके ऊपर जाना अलाउ नहीं है, इन्होंने गेट बंद कर दिया है।
और उसी के बराबर में देखो रिनोवेशन का काम चल रहा है, मेरी बात हुई थी यहाँ अभी, और ये भी देखेंगे यहाँ भी रिनोवेशन का। यानी ये जो अलग से आप ईंट देख रहे हैं ये एक्चुअली ईंट वो है जो उनका ये कहना है कि ये जो दीवारें बाहर आ रही थी इसलिए हमने इसको रोका। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग था, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो होश खास आइए, होश खास में आप किसी से पता कर लीजिए कि हमें बेगमपुर मस्जिद जाना है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बट आपकी उम्मीद के मुताबिक हम वो क्वालिटी तो आपको नहीं दे पाए, बट जहाँ कैमरा अलाउ होगा वहाँ अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर इंस्टाग्राम पर जाइए वहाँ सर्च कीजिए रियल मोहम्मद अरबाज। तो बहुत ही शानदार जगह है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।